चले आगे बढ़ेंगे और सीधा बुलंदशहर लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से किसा के लिए आवश्यक है। डॉक्टर महेश शर्मा जी तीसरी बार यहां से सांसद बनकर के चुन करके जाएं। बहनों और भाइयों, जैसे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास की योजनाओं के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी या हमारे विधायक गण आए होंगे, आते हैं, लेकिन विकास की किसी चालू परियोजना में बैरियर बनने के लिए कभी भी उन्होंने अपने स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को उनके स्तर पर कभी नहीं उठाया जाता। उनके द्वारा हमेशा कहा जाता कि नहीं, विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि का जो दायित्व तो होता है वही उन लोगों ने अब तक किया है, और यही कारण है कि आज क्षेत्र देश का, दुनिया देश का, प्रदेश ही नहीं देश का सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की प्रति व्यक्ति आय, देश के प्रति व्यक्ति आय से सबसे अधिक में से एक, प्रत्येक जनपद की जो होती है उनमें से एक होने जा रही है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कहने के लिए, क्या जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो मानक गौतम बुद्ध नगर बनेगा, स्टैंडर्ड गौतम बुद्ध नगर तय करेगा। अब पहले जो अन्य जनपदों से होती थी पहचान, उसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार के साथ साथ सांसद विधायक आपका है, इसका लाभ आपको प्राप्त होना ही होना है। और बहनों और भाइयों, इसका लाभ यहां पर आप सबको प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये अयोध्या में जो आपने देखा है सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य भुवन भास्कर के किरण से उनका तिलक होते हुए देखा होगा आपने, तो यह कार्य क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग करते क्या? ये काम ये कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? कश्मीर में धारा 370 ये लोग हटा पाते क्या? और बहनों और भाइयों, तीन तलाक की कुप्रथा को ये लोग रोक पाते? ये लोग तो कर्फ्यू वाले लोग हैं, इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया। महीनों महीनों दंगा होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। आज हमारे प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है, आज तो शानदार तरीके से कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा अंतर स्पष्ट है, फर्क साफ है। वे दंगा कराते थे, हमने कहा भी नहीं, सामान्य प्रदेशवासियों के लिए अयोध्या में रामलला होंगे और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है कि यात्रा के रास्ते भी खुले होंगे। बहनों और भाइयों, वे दंगा करा करके प्रदेश को अस्त व्यस्त करते थे। हम लोगों ने कहा नहीं भाई, दंगा पॉलिसी नहीं चलेगी, विकास की पॉलिसी चलेगी, विकास की। और आज इसी विकास के लिए हम लोग आपके पास आए हैं, नौजवान की आजीविका के लिए, आम नागरिक की आस्था के लिए, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के लिए। भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद बनकर के चुन करके जाएं, इसी के लिए अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, बड़े उद्देश्य के लिए हमें स्थानीय उन विवादों को समाधान करना होगा। चुनाव में लोग आएंगे, तमाम प्रकार के लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा,
कोई क्षेत्र का सहारा लेगा, कोई तमाम अन्य सहारा लेगा, उस समय सबसे कहना कि भाई देखो चुनाव के बाद आ जाना। आज तो हमारे पास एक ही कार्य है और वह है एक राष्ट्रवादी और विकास परक सोच वाली हमें सरकार चाहिए, और उस सरकार केवल मोदी जी दे सकते हैं। वह केवल कमल के फूल से ही संभव हो पाएगा। हमें कमल के फूल के बारे में सोचना है और कमल के फूल के लिए ही आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर सिकंदराबाद में मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान यह भी संभव नहीं हो सकता, बहुत बार होता है, हर व्यक्ति की अपेक्षा भी होती है कि प्रत्याशी हमारे द्वार में आ जाए, संभव नहीं होता। एक प्रत्याशी के लिए